सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज का वीडियो थोड़ा अलग वीडियो है, क्योंकि हमेशा तो मैं आपके साथ में DIY गार्डनिंग वगैरह मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, लेकिन उन वीडियोस में क्या होता है कि आपके साथ में कुछ बात नहीं हो पाती है, तो इसीलिए स्पेशल वीडियो है ये लाइफ अपडेट। और जो आज का मैंने होली किस तरीके से सेलिब्रेट की है वो भी आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आएगी, उसके लिए सॉरी। तो लाइफ अपडेट कुछ इस तरीके से है कि हर साल मैं होली बहुत धूमधाम से मनाती हूँ, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, इस बार भी किया, लेकिन इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी, एक तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी कुछ घरेलू काम में और कुछ पर्सनल काम होते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ी सी फिजिकली फिट नहीं थी, हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं थी। आप सबके साथ में मैंने पहले शेयर किया था कुछ वीडियोस पहले कि मेरे ये लेफ्ट हैंड में यहाँ पर एल्बो के साइड में काफ़ी दर्द है और इसे मैं वेट बिल्कुल भी नहीं उठा पा रही हूँ, ना इसके हाथ से कुछ पकड़ पा रही हूँ, इवन मैं ऊपर मतलब कोई चीज़ उठा करके अगर मैं उठाना चाहूँ तो वो भी नहीं उठा पा रही थी। उसके बाद में बैकएक की प्रॉब्लम है, मुझे कमर में काफ़ी दर्द रहता है तो वो काफ़ी टाइम से मैं झेल रही हूँ, तो उसकी भी थोड़ी सी ट्रीटमेंट चल रही है। क्या है वो मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो हाथ का भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, कमर दर्द की भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम और होगी। होली से एक दिन पहले मेरे हाथ से एक कांच का जार टूट गया था और वो सेंटर में यहाँ लगा है, वो शायद आपको दिखे ना, लेकिन कट छोटा सा ही था लेकिन गहरा काफ़ी था, जिसकी वजह से घर में काफ़ी सारी परेशानी मुझे झेलनी पड़ी डेली के कामों को लेकर के। तो इसी वजह से क्या होता है ना, जब खुद की बॉडी अच्छे से नहीं होती है तो उतना अच्छा नहीं महसूस होता है। हालांकि सेलिब्रेट हमने बहुत अच्छे से ही किया, इस वीडियो के बाद में आपको एक रेसिपी भी मिलेगी और मैंने वैसे हर साल बहुत कुछ बनाती हूँ आपके साथ में शेयर भी करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ गुजिया ही बनाई थी तो उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, साथ ही साथ मैंने किस तरीके से होली सेलिब्रेट की थी वो। तो लाइफ अपडेट यही था कि बॉडी थोड़ी सी ठीक नहीं थी जिसको रेस्ट देना ज़रूरी था, तो मैंने 2-3 दिन काम नहीं किया था। उसके अलावा एक चीज़ और भी है, हेयर स्टाइल, काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने हेयर स्टाइल को नोट किया और मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए, थैंक यू सो मच। जब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता ना तो खुद के मूड को या खुद को अच्छा फील कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करता रहना चाहिए, तो मैं भी अपने पुराने हेयर स्टाइल से भी बोर हो चुकी थी। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ी सी फिजिकली प्रॉब्लम होती है ना तो खुद को अब किस तरीके से हम अच्छा महसूस कराएं, तो मुझे तो यही लगता है थोड़ा सा मेकअप कर लो, थोड़े हेयर स्टाइल वगैरह बना लो, अच्छे कपड़े पहन लो, थोड़ा घूम आओ, तो उससे क्या होता है ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हालांकि प्रॉब्लम तो जाते जाते ही जाती है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम एकदम से चली जाती है, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ईशा का रिजल्ट आ गया है और वो पास हो गई है, तो 6th क्लास में आ गई है, उसकी बुक्स भी आ गई हैं तो उनको अभी कवर अप वगैरह करना है। इन्हीं कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अभी रिजल्ट वगैरह भी था और उसके बाद में घर के भी बहुत सारे काम थे। अगर अपने फिजिकल हेल्थ की बात करूं तो कई फ्रेंड्स ने पूछा था मुझसे कि मेरे हाथ में क्या प्रॉब्लम है, तो मैं बताऊं, मैंने दिखाया था डॉक्टर को तो उन्होंने मुझे बताया है ये मसल पेन है, मुझे यहाँ से प्रॉब्लम रहती है, यहाँ से मतलब कुछ भी मैं ऊपर उठा नहीं पाती, इवन मोबाइल भी, मोबाइल नहीं उठा पाती हूँ मैं ऊपर के साइड में लेकर के, अगर मैं सोचूं कि पकड़ करके एक हाथ से इधर लेकर के जाऊँ तो ऐसा नहीं होता है। तो ये केवल जाते जाते ही जाएगा, इसमें टाइम लगेगा, इसमें बस केवल एक एक्सरसाइज ही उपाय है। और बैक की जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए मैं बताऊँ, क्योंकि मैं भी ये काफ़ी टाइम से झेल रही हूँ, और चंद्र प्रभावटी एक पतंजलि करके टैबलेट आती है तो वो आप खाइए, बहुत अच्छी टैबलेट है, मुझे काफ़ी आराम मिलता है। और एक्सरसाइज, मॉर्निंग में आपको एक्सरसाइज मस्ट है अगर आपको बैकएक की प्रॉब्लम है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यही थी 2 अपडेट जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। तो रेगुलर बेसिस पर आपको जो वीडियो आप देखते हैं वो वीडियो देखने मिलेंगे। और अब शेयर करती हूँ आपके साथ में अपनी होली की रेसिपी और अन्वेषा ना अभी किचन में
रेसिपी बना रही है कुछ, क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना कि जब छुट्टियां पड़ी हुई है, अभी तो छुट्टियां पड़ी हुई है, अभी इनके ऑनलाइन ही स्कूल हैं। यहाँ पर कोविड की बहुत ज्यादा वो हो गई है, जिसकी वजह से अभी होली भी बैन थी, तो यहाँ पर होली उतनी नहीं खेली गई, नाइट कर्फ्यू भी है, तो काफी सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हाँ, मंदिर पर हमने जैसे हर साल खेलते हैं होली, उसी तरीके से खेली, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की। और किसी फ्रेंड ने मुझे बोला भी था कि मंदिर का वीडियो मैंने काफी टाइम से शेयर नहीं किया, तो इस वीडियो में आपको वो भी देखने मिलेगा। तो अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ गुजिया की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने आधा किलो मावा या फिर खोया लिया था। इसको मैंने हल्का सा घी डाल करके भून लिया है जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। घी डालने का कारण ये था जिससे कि ये जले ना। दूसरी चीज़ इसके बाद में मैंने जो की थी वो लिए थे कुछ ड्राई फ्रूट, जिसमें था थोड़ा नारियल, किशमिश, बादाम, काजू और मैंने ली थी लगभग आधा कटोरी सूजी। तो इन सभी को मैंने घी में भून लिया है। और नारियल को भूनना ज़रूरी नहीं है, तो बहुत हल्का सा रोस्ट करना है और इसको घी में भी रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनफैक्ट अगर आप इसको ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो ये जल जाएगा और फिर कड़वा हो जाएगा, तो अगर आप ना चाहें तो ना करें। अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने फ्राई किया था हल्के घी में। किशमिश को नहीं करना है, सूजी को किया था और मैंने काजू और बादाम को किया था। तो ये अपनी चॉइस के अनुसार हम ले सकते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स को मैंने कट कर लिया है। और इसके बाद में जो हमारी सूजी थी, जितना भी मेरा मसाला था, इसको मैंने मिक्सचर को आपस में मिक्स कर लिया है। और इसके बाद में ये जो मावा है या खोया है जिसको मैंने भूना था, हल्का सा कच्चापन इसका निकाला था, तो इसको भी इस सारे मसाले के साथ में मुझे मिक्स कर लेना है। लास्ट में बारी आएगी, इसके अंदर हम कोई भी मीठा डालेंगे। मीठा यानी कि बूरा डालते हैं, जिसको आप चाहें तो घर में चीनी भी पीस करके यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो हम बाज़ार से भी बूरा ले आते हैं। तो मैं तो घर में पिसी हुई चीनी ही इस्तेमाल करती हूँ, बहुत अच्छा बूरे का तरह ही होता है, कोई फ्लेवर में फ़र्क नहीं आता है। तो मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, तो मैंने यहाँ पर मीठा डाल लिया है। साथ ही साथ मैंने डाला है इसमें इलायची का पाउडर। तो घर की कुटी हुई फ्रेश इलायची जो होती है वो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। इन सभी को बाइंड करके मैंने इसमें एक मसाला तैयार कर लिया। और जो मैदा जो बनानी थी वो मैंने घी में, यानी कि आधा किलो मैदा है तो लगभग उसमें आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने घी डाला है और गुनगुने पानी से गूंद करके आधा घंटा के लिए रख दिया था। उसके बाद में इसकी पूरियां बनाई हैं और हस्बैंड ने गूंद के दिया था ये वाला मैदा का आटा जो था, क्योंकि हाथ में मेरे कट होने की वजह से मतलब कुछ भी बेंड नहीं हो रहा है हाथ। तो फेस्टिवल है, इस वजह से थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन ये था, अभी ये छोटी होली है और इसी वजह से थोड़ा सा करना पड़ रहा है मुझे। और इस तरीके से देखिए, थोड़ा थोड़ा भरते हुए, बहुत ज़्यादा भरेंगे तो हमारी गुजिया फट जाती हैं और कम भरेंगे तो वो टेस्ट में अच्छी नहीं लगती है। तो मेरे पास ये प्लास्टिक का जो गुजिया बनाने का सांचा होता है, ये काफ़ी पुराना है और हर साल मैं इसी से बनाती हूँ और हर साल मुझे अकेले ही बनानी पड़ती हैं। इस बार तो मैंने बहुत कम बनाई हैं, वरना हर बार तो मतलब एक कनस्तर होता है ना, वो भर करके बनाती हूँ। मुझे बहुत शौक है, मैं अपने आसपास में भी जैसे बांटती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूँ, इस बार थोड़ी मजबूरी थी तो इसी वजह से थोड़ी ही बनाई थी सघन करने के लिए। तो देखिए, मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको फ्राई करना है और दोनों तरफ से पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैंने फ्राई कर लिया। और उसके बाद में आज है होली का त्यौहार, यानी कि जिस दिन कलर होता है, रंग होता है उस दिन। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले सुबह को नहा धो करके तैयार होकर के अपने कान्हा जी को रंग लगाया था, उनके साथ में होली खेली थी, उनको भोग लगाया था और उसके बाद में सब लोगों ने, घर के सभी मेंबर ने यही मंदिर के अंदर ही होली खेली थी, क्योंकि हमने इस बार बाहर होली नहीं खेली थी। और जब होली खेलने के बाद में दिन में उनके कपड़े चेंज किए थे शाम को, तो क्योंकि फूलों की होली भी थी तो इसीलिए यहाँ पर उनको फूलों वाली कलर की ड्रेस पहनाई है। और आपके साथ में ये वाली ड्रेस मैंने शेयर भी की थी, ये मैंने मीशो से ली थी, मुझे बहुत पसंद आई, अपने कान्हा जी के ऊपर पहनाई हुई और तैयार होने के बाद में कुछ इस तरीके से लग रहे हैं वो। और इसके बाद में अब हम गए शाम को, हमारे घर के पास में एक मंदिर है जो कि हम सब मिलकर के बनवा रहे हैं। तो एक्चुअली तो ये जगह थी,
तो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हुई थी, तो उसकी जैसे होता है ना कि पहले हम किश्तें देते हैं, फिर इसको मंदिर का एक छोटा सा रूम बनाया है फिलहाल हम सबने, और यहाँ पर हम कीर्तन किया करते थे। पहले तो कोविड नहीं था तो हम रेगुलर बेस पर किया करते थे सब लोग, और मैं भी रेगुलर बेसिस पर जाती थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से तो यहाँ पर कीर्तन भी बंद किया हुआ था। होली के लिए स्पेशल हमने परमिशन मिली थी थोड़े टाइम के लिए, तो हम सभी जितने भी मेंबर हैं, सब तो नहीं आए, थोड़े ही आए थे, लेकिन बहुत वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर कैमरे की क्वालिटी आपको थोड़ी सी लो लगेगी क्योंकि मैंने किसी से ये क्लिपिंग्स मांगी थी, मैं भूल गई थी कैमरा लेकर के जाना। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और